रीवा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने कर्मचारी से 60,000 नकद और एक टैबलेट लूटी। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि मामला रीवा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी प्रकाश कुशवाहा का है। देर रात बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी भिटवा गाँव के पास अन्य बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग छीनकर फरार हो गए। युवक ने बताया कि बैग में टैबलेट और 60,000 रुपये नकद रखे हुए थे। पुलिस ने मामले को लेकर शिकायत पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पंचरोटा थाना क्षेत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसके कर्मचारियों के साथ लूट की घटना प्रकाश में आई है, जिसका अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।